सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में स्टोन एज शुरुआत किए थे और पैलियोलिथिक एज हम लोगों ने फिनिश किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेजोलिथिक एज के बारे में और चर्चा करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। मेजोलिथिक एज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अबाउट 9000 to 4000 वर्ष पूर्व, यही मध्य पाषाण काल का काल निर्धारण हुआ। आपको लगेगा कि पूरा पाषाण काल 3 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व, फिर ये मध्य पाषाण काल 9,000 से 4,000 वर्ष पूर्व, ऐसा क्यों? तो ये सामान्य तौर पे मान लीजिएगा कि पूरा पाषाणिक प्रवृत्तियाँ अंतिम दौर तक आते आते आप देखते क्या है कि हर एक जगह कंटिन्यू नहीं कर रही हैं, कुछ नवीन प्रवृत्तियों का डेवलपमेंट हो गया, यानी कुछ मध्य पाषाणिक प्रवृत्तियाँ भी उभरने लगी थी और कुछ पूरा पाषाणिक प्रवृत्तियाँ भी कंटिन्यू कर रही थी, यानी कुछ समय तक दोनों पैरेलल एक साथ चलता रहा। मतलब ये दौर क्या रहा होगा? ट्रांजिशन का फेज रहा होगा, संक्रांति का काल रहा होगा। यही वजह है कि हम मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच कुल काल कुछ काल व्यवधान पाते हैं। ठीक है, अब रही बात मध्य पाषाण काल के वातावरण के संदर्भ में, तो जब हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे, मानव की एक्टिविटी विश्व के विभिन्न हिस्सों में अगर पढ़ रहे थे, तो वह प्लिस्टोसीन फेज का दौर था। और प्लिस्टोसीन फेज की विशेषता क्या थी? वातावरण का ठंड होना, जो मानव के लिए फेवरेबल नहीं था, अनुकूल नहीं था। 10,000 वर्ष पूर्व होलोसीन फेज का आगमन हो गया, और होलोसीन फेज की विशेषता क्या थी? वातावरण का गर्म होना। तो याद रखिएगा कि अबाउट 10,000 वर्ष पूर्व होलोसीन फेज का आगमन हो गया। होलोसीन फेज की विशेषता क्या है? वातावरण का गर्म होना। मतलब अपेक्षाकृत वातावरण पहले की तुलना में क्या हुआ? गर्म हुआ। वर्तमान दौर में भी मानव होलोसीन फेज में ही है। अब ऐसे सोचिए कि वातावरण अगर गर्म हुआ है तो मध्य पाषाण काल में वातावरण मानव के लिए क्या होगा? ये वातावरण मानव के लिए क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। ऐसे सोचिए, वातावरण क्या हो गया मानव के लिए? अनुकूल हुआ। अब अगर वातावरण मानव के लिए अनुकूल है तो जाहिर सी बात है कि मानव की एक्टिविटी पहले की तुलना में क्या हुई होगी? बढ़ गई होगी। जैसे पूरा पाषाण काल में हम लोग जितने भी साइट्स को पढ़ते हैं तो यह लगता है कि पूरा पाषाण काल में मानव का निवास आवास क्या था? वो गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में रहते थे। लेकिन जैसे ही वातावरण गर्म होना शुरू हुआ होगा तो कई प्रकार के वातावरणीय परिवर्तन भी हुए होंगे। चूंकि अन्वेषण के आधार पर यह पता चलता है, बंगाल में एक साइट है बीरभानपुर, मध्य पाषाण काल का साइट है। जब उसका अन्वेषण हुआ तो पता चला कि मध्य पाषाण काल तक आते आते उस क्षेत्र में, वहां की जमीन में शुष्कता बढ़ गई, यानी जमीन में निमेटिव की कमी हो गई। यह बताता है कि वातावरण गर्म हुआ। राजस्थान का दिडवाना क्षेत्र, जो पूरा पाषाण काल का साइट है, उस क्षेत्र में बारिश के होने के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि होलोसीन फेज में जब वातावरण गर्म हुआ होगा तो तत्कालीन दौर में आप कह सकते हैं कि कई प्रकार के परिवर्तन उभर कर सामने आ गए होंगे। मीठे जल के स्रोत में नदियों का आविर्भाव, झील तालाब का आविर्भाव, सघन जंगल का आविर्भाव, मैदान का डेवलपमेंट, ऐसे कई प्रकार के चेंजेज आए होंगे। जब ऐसे कई प्रकार के चेंजेज आए होंगे, वातावरण गर्म हुआ होगा, मानव की एक्टिविटी बढ़ी होगी, तो जाहिर सी बात है कि मध्य पाषाण काल में मानव का क्या हुआ होगा? मानव का प्रव्रजन हुआ होगा, क्या माइग्रेशन हुआ होगा, है ना? और ये माइग्रेशन पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर मानव नदी तटीय क्षेत्र में, झील के किनारे, जंगली क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी क्या हुई होगी? बढ़ गई होगी। ठीक है, मानव के साथ साथ पशुओं की भी एक्टिविटी बढ़ी होगी। अब यहां मुद्दा बनता है कि क्या तत्कालीन दौर में मानव का आवास प्रवास किस क्षेत्र में रहा होगा, है ना? जैसे हम लोग उस दौर में पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल को, ठीक उसी प्रकार यहां भी देखेंगे। अब अगर हम बात करें
मानव का आवास प्रवास, तो कह सकते हैं क्या संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में, यानी लगभग भारतीय क्षेत्र से मध्य पाषाणिक मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का साइड और क्या एक्सट्रीम साउथ से मानव की एक्टिविटी के प्रमाण थोड़ा लेट से मिलते हैं, लेकिन संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में हम देखते क्या है मानव की एक्टिविटी है कब, मध्य पाषाण काल में। और दूसरी बात ध्यान में रखना है कि इस काल में मानव का माइग्रेशन हुआ, यानी मानव नवीन क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए परिवर्तन क्या हुआ होगा, आप ऐसे सोचिए कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े जानवर ही मानव के सामने दिखते थे, और चूंकि उपकरण औजार अनगढ़े थे, बड़े थे, तो मानव क्या करता था, बड़े जानवर का शिकार करता था। लेकिन वातावरणीय परिवर्तन के कारण छोटे छोटे जानवर भी निकलकर सामने आ गए होंगे, है ना, जंगली भेड़िया, नीलगाय, खरगोश, हिरण, बारहसिंगा, ऐसे ऐसे भी जानवर उभरकर सामने आ गए होंगे। तो वैसे स्थिति में मानव चूंकि शिकारी था, इसलिए मानकर चलिए कि पूरा पाषाण काल में जो शिकार की प्रवृत्ति थी, वह शिकार की प्रवृत्ति यहां भी देखने को मिलती है। यानी शिकार की प्रवृत्ति कहां है, मध्य पाषाण काल में भी है, लेकिन यहां जितने भी साइट से शिकार के प्रमाण मिलते हैं, यह देखकर लगता है कि इस काल में मानव क्या करने लगा, छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़े जानवरों का शिकार समाप्त हो गया, वो चल रहा है, लेकिन छोटे छोटे जानवरों के भी शिकार होने लगे, क्योंकि मध्य पाषाणिक साइट से जहां भी अन्वेषण हुआ तो ऐसे छोटे छोटे जानवरों की अस्थियों के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं जो शिकार की कहानी कहते हैं। अब ऐसे सोचिए कि पहले बड़े जानवर का शिकार तो कोर टेक्नोलॉजी पर आधारित उपकरण से, फ्लैग टेक्नोलॉजी पर आधारित बड़े अनगढ़े उपकरण से, लेकिन जब छोटे छोटे जानवर एक्टिव जानवर सामने आए तो फिर शिकार कैसे होगा, बड़े अनगढ़े उपकरण से। तो जाहिर सी बात है कि मध्य पाषाण काल में इस नवीन प्रवृत्ति के अनुरूप क्या हुआ होगा, टूल्स टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया होगा। इसका मतलब है कि उपकरण औजार के क्षेत्र में क्या आया होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया होगा। और यहां से आपका क्वेश्चन बनता भी है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे याद कीजिए पूरा पाषाण काल में उपकरण औजार बनता था तो अपेक्षाकृत कड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था, और बाद के दौर में हम देखते क्या है, हड्डी का इस्तेमाल, पशु श्रृंग का इस्तेमाल होने लगा, पाषाण के रूप में क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था, चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर का इस्तेमाल होता था। मध्य पाषाण काल में ऐसे तमाम स्टोन के इस्तेमाल हो रहे हैं जो पूरा पाषाण काल में हो रहे थे, लेकिन यहां आके परिवर्तन क्या आया, नवीन क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी बढ़ी तो मानव नए नए प्रकार के रॉक से वाकिफ हुआ। इसका मतलब इस दौर तक आते आते आगेट, बैसाल्ट, कार्निलियन, क्रिस्टल जैसे नवीन पत्थरों से वाकिफ हुआ। तो इस दौर में मानव इन नवीन पत्थरों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया क्या, उपकरण औजार के निर्माण के लिए। हड्डी, पशु श्रृंग, लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब है कि उपकरण औजार के निर्माण में यहां भी मानव किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है, बोन का इस्तेमाल कर रहा है, एंटाइसर का इस्तेमाल कर रहा है और उड का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि स्टोन जो पुराने चल रहे थे उसका भी टूल्स बन रहा था, लेकिन कुछ नवीन स्टोन जिसकी जानकारी बढ़ी है, चाहे वो कार्निलियन हो, चाहे वो क्रिस्टल हो या आगेट हो, बैसाल्ट हो, वैसे स्टोन के भी उपकरण के निर्माण होने लगे। ठीक है, अब अगर छोटे जानवर का शिकार करना है तो ये तो ध्यान रखना होगा कि छोटे जानवर के शिकार के लिए छोटा उपकरण चाहिए। यही वजह है कि मध्य पाषाण काल तक आते आते क्या हुआ, लघु पाषाणिक उपकरणों के निर्माण होने लगे, लघु पाषाणिक उपकरण को क्या कहा गया, इसी को कहा गया माइक्रो लिथ टूल्स। याद रखिएगा, माइक्रो छोटा, लिथोस चट्टान, यानी पाषाण के छोटे उपकरणों का निर्माण होने लगा। तो एक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि माइक्रोलिथ टूल्स किस काल की विशेषता है, तो माइक्रोलिथ टूल्स सर्वप्रथम निर्मित कब हुआ, मेजोलिथिक एज में। इसलिए माइक्रोलिथ टूल्स क्या है, मेजोलिथिक एज की विशेषता है। ठीक है,
छोटे जानवर का शिकार करना है तो टूल्स इतना हल्का हो या छोटा हो, धारदार हो कि फेंक कर भी शिकार किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि इस काल में जो भी नए टूल्स बने वो किस रूप में बने, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स का निर्माण शुरू हो गया, ज्यामितीय डिजाइन के टूल्स का निर्माण यानी ट्रायंगल टाइप टूल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है, क्रेसेंट टाइप टूल्स बनने शुरू हो गए, नुकीले उपकरण का अत्यंत नुकीला हार्पून टाइप टूल्स का निर्माण शुरू हो गया। यानी इस दौर में, इस दौर की विशेषता क्या है, लघु पाषाणिक उपकरण, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब अगर लघु पाषाणिक उपकरण इसकी विशेषता है तो जाहिर सी बात है कि इस काल में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी क्या हुआ होगा, परिवर्तन आया होगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से या टूल्स से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, और उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी अभी मैंने बताया कि जो टूल्स उपकरण औजार बन रहे हैं मध्य पाषाण काल में वो क्या है, माइक्रोलिथ टूल्स हैं। जिस स्थान से ऐसे छोटे उपकरण, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के उपकरण बहुत अधिक मात्रा में मिले, वैसे साइट को क्या कहा गया, वैसे साइट को माइक्रोलिथ इंडस्ट्री की संज्ञा दी गई, उसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहा गया। दूसरी बात याद रखिएगा, तीसरी बात, अगर माइक्रोलिथ टूल्स बन रहा है तो फिर क्या उसी टूल्स टेक्नोलॉजी के आधार पर बनेगा या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि इस काल में एक नवीन टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ, उसका नाम क्या है, प्रेशर एंड फ्लैटिंग टेक्नोलॉजी, इसी को कहा गया दाब नाली विधि, या इसी को कहा गया प्रक्षेपास्त्र तकनीक, क्या कहा गया, मिसाइल तकनीक भी कहा गया। चूंकि अब मानव को स्टोन की इलास्टिसिटी का पता है और किसी स्टोन से कितना प्रहार करें कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स का निर्माण हो, तो प्रेशर के बारे में जानकारी है, इसीलिए टूल्स टेक्नोलॉजी का नाम क्या पड़ा, प्रेशर एंड फ्लैटिंग टेक्नोलॉजी। और इसी आधार पे मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के माइक्रोलिथ टूल्स बनने लगे। तो याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में जो उपकरण औजार बन रहे या क्वेश्चन बनेगा माइक्रोलिथ टूल्स, किस काल की विशेषता, मेजोलिथिक एज की विशेषता, ठीक है। मेजोलिथिक एज में जो माइक्रोलिथ टूल्स बन रहे थे वो किस तकनीक पे आधारित थे, आपको याद रखना है, प्रेशर एंड फ्लैटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको प्रक्षेपास्त्र तकनीक कहा गया, जिसको क्या कहा गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा गया, दाब नाली विधि कहा गया, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हमें याद रखना क्या है, अगर ऐसे उपकरण बन रहे हैं तो ऐसे उपकरण के प्रमाण कहां से मिले, कौन सा साइट है जहां से ऐसे उपकरण के प्रमाण मिले, या माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के प्रमाण मिल रहे हैं, कोई ऐसा साइट तो होगा। तो याद रखना है, राजस्थान में एक साइट का नाम है बागोर, राजस्थान भीलवाड़ा बागोर, मध्य प्रदेश में एक साइट का नाम है आदमगढ़, मध्य प्रदेश होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, गुजरात में एक साइट का नाम है लंगनाज, गुजरात का मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। या याद कीजिए, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश बेलनघाटी, बेलनघाटी का संबंध पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। बेलनघाटी क्षेत्र में कुछ साइट है जिसका नाम मैं बता रहा हूं, दमदमा, महदहा, सराय नाहर राय, ये तमाम क्षेत्र से ऐसे माइक्रोलिथ टूल्स के प्रमाण मिल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पूरा पाषाणिक उपकरण के भी प्रमाण मिल रहे हैं और ये नवीन प्रमाण भी मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा पाषाणिक टूल्स बन रहे थे और इस काल में जो नए टूल्स माइक्रोलिथ टूल्स बने वो प्रेशर एंड फ्लैटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, ठीक है। इसी काल में हम देखते क्या है, मानव जो स्टोन के टूल्स का निर्माण कर रहा है वो हल्का हो, इसके लिए क्या करने लगा, टूल्स के ऊपर हैंडल का इस्तेमाल करने लगा, यानी हड्डी या लकड़ी के मूठ का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी दो सिस्टम को एक साथ अटैच करने की कोशिश की। ये नवीन तकनीक अटैच टेक्नोलॉजी का भी आगमन कब होता है, मेजोलिथिक एज में होता है। लेकिन याद रखिएगा, मेन टेक्नोलॉजी प्रेशर एंड फ्लैटिंग टेक्नोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, एक तो आपका हो गया क्या,
उपकरण औजार, दूसरा हो गया होलोसिंथेज, वातावरणीय परिवर्तन और मानव का क्या माइग्रेशन, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मानव का आवास प्रवास। कहानी का मतलब क्या, मध्य पाषाण काल के मानव की एक्टिविटी के प्रमाण संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से मिलते हैं, या भारत का कुछ क्षेत्र है जहां महा मध्य पाषाणिक संस्कृति का प्रमाण नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, मानव के एक्टिविटी के प्रमाण मध्य पाषाण काल में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से मिल रहे हैं, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से मिल रहे हैं। अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में अगर कोई है तो नॉर्थ ईस्ट और सुदूर दक्षिण भारत का क्षेत्र, जहां से हम देखते क्या है आगे नवपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन मध्य पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह भी मानिएगा कि इतने साइट का भारत में अभी तक कायदे से एक्सकेवेशन भी नहीं हुआ है, कल अगर एक्सकेवेशन होगा तो हो सकता है ये मान्यता चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए तीसरा याद रखिएगा कि इस काल में भी शिकार की प्रवृत्ति है, क्योंकि छोटे छोटे जानवर निकलकर सामने आए, छोटे जानवर का शिकार करना था तो शिकार की प्रवृत्ति कंटिन्यू कर रही है। लेकिन एक जो नवीन प्रवृत्ति का डेवलपमेंट मध्य पाषाण काल में हुआ वो क्या है, पशुपालन। इसके पहले पूरा पाषाण काल में पशुपालन की प्रवृत्ति नहीं थी, शिकार की प्रवृत्ति थी, मानव शिकारी था, संग्रह करता था। लेकिन मध्य पाषाण तक आते आते मानव क्या हो गया, शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक हो गया है ना। वो प्रवृत्ति शिकार की जो पहले से थी वो कंटिन्यू कर रही है, लेकिन एक नवीन प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हुआ क्या, पशुपालन। चूंकि इस वक्त तक आते आते मानव और पशु दोनों की एक्टिविटी एक ही क्षेत्र में है, तो मानव और पशु के बीच क्या हुआ होगा, इंट्रैक्शन हुआ होगा। और जब मानव पशु के बीच इंट्रैक्शन हुआ तो इस दौर में मानव कई जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिसमें आप भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, बैल की बात कर सकते हैं। जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे कभी पूछा नहीं गया सिविल सर्विस या पीसीएस में कि फर्स्ट पालतू पशु कौन था, लेकिन सामान्य तौर पे लोग ये मानते हैं कि पहला पालतू पशु कुत्ता ही हुआ करता था। लेकिन ये तमाम ऐसे जानवर थे जिनका पशुपालन प्रारंभ हो गया, यानी लोगों ने इसे पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसे सोचिए, अगर ये जानवर को पालतू बनाना शुरू किया तो इस जानवर को कैसे एक स्थान पर सुरक्षित रखा जाए, ये भी एक चुनौती रहा होगा तत्कालीन दौर में, क्योंकि उस वक्त तक मानव प्रकृति का अन्वेषण कर रहा है, अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो मानव के लिए अगर उस वक्त इसे सुरक्षित रखना है तो इसके लिए भी एक सिस्टम को जनरेट करना अपने आप में एक चुनौती होगी। तो यहां पे दो चीज याद रखना है, एक अगर पशुपालन की प्रवृत्ति है मध्य पाषाण काल में तो पशुपालन का प्रारंभिक प्रमाण कहां से मिला, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम पशुपालक बस्ती का प्रमाण कहां से है ना, चूंकि ये मुख्य फीचर है पशुपालन, तो पशुपालक बस्ती का प्रमाण कहां से मिल रहा है ये जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कौन सा साइट है जहां से पशुपालन की प्रवृत्ति का प्रमाण मिला, याद रखिएगा राजस्थान में एक साइट है बागोर, और मध्य प्रदेश में एक साइट है क्या, आदमगढ़। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में क्या प्रथम पशुपालक बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि 7000 वर्ष पूर्व यहां के लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, भेड़, बकरी, कुत्ता इत्यादि को पालतू बनाना शुरू किया। जनरली ये दोनों जगह से समकालीन एक ही टाइम के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कई बुक में आप देखेंगे कि फर्स्ट स्थान बागोर को दिया जाता है, सेकेंड स्थान आदमगढ़ को दिया जाता है। ठीक है, कि फर्स्ट पशुपालक बस्ती बागोर, लेकिन ऐसे जनरली नहीं पूछेगा, कोई एक ना कोई ना कोई एक ही विकल्प होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां से पशुपालन का प्रमाण नहीं मिला हो, लगभग क्षेत्र से पशुपालन का प्रमाण मिल जाता है। जैसे याद कीजिए उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है जिसका नाम है सराय नाहर राय, या बेलन घाटी में एक साइट का नाम है चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में।
ये दोनों जगह से भी पशुपालन का प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ पशुपालन का ही प्रमाण नहीं मिल रहा है, कैटल प्रेम पशु बारी का भी प्रमाण मिल रहा है। अभी मैंने बताया कि कैसे मानव पशु को एक स्थान पर इकट्ठे रखेगा, तब तो जरूरी है पशु के लिए पशु बारा का निर्माण हो। इसका मतलब है पशु बारी के निर्माण प्रारंभ हो गए कब, मध्य पाषाण काल में, चूंकि सराय नाहर राय से स्तंभ गर्त का प्रमाण मिला, यानी लकड़ी का ही क्या बनाया गया, घेराबंदी किया गया, उसके गड्ढे के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब है कि पशु बारा मध्य पाषाण काल की विशेषता है, और अगर पशु बारा का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस दौर में ही मानव झोपड़ी निर्माण की भी कोशिश करेगा। हो सकता है परमानेंट भवन का निर्माण ना हो, लेकिन भवन निर्माण की कोशिश तो प्रारंभ ही हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अगला भवन निर्माण। चूंकि प्रवृत्ति पशुपालन की है, प्रवृत्ति शिकार की है, इसलिए यहां पे कोई परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी जीवन यापन नहीं है, रेगुलर भवन का निर्माण नहीं है। लेकिन इसी काल में मानव क्या करता है, भवन निर्माण की कोशिश प्रारंभ कर देता है। और भवन निर्माण की कोशिश क्या, घास फूस मिट्टी इत्यादि के जरिए। अब हमें देखना क्या है कि मध्य पाषाण काल का वो कौन सा स्थल है जहां से भवन निर्माण की कोशिश का प्रमाण मिला, यानी मध्य पाषाणिक भवन के प्रमाण कहां से मिल रहे हैं, यह जानने की जरूरत है। तो याद रखिएगा आदमगढ़, कहां, मध्य प्रदेश, और दूसरा बागोर, कहां, राजस्थान। ये दोनों ही जगह से हम देखते क्या है, भवन निर्माण की कोशिश का प्रमाण, और ये अबाउट 5500 वर्ष पूर्व का है। चूंकि हम देखते क्या है कि आदमगढ़ से मिट्टी की दीवार का प्रमाण मिलता है, बागोर से फर्श का प्रमाण मिलता है, ठीक है, सराय नाहर राय से स्तंभ गर्त का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब है कि भवन निर्माण की कोशिश प्रारंभ कब से हो गई, मध्य पाषाण काल से हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो याद रखना क्या है, भवन निर्माण प्रारंभिक प्रमाण कहां से, आदमगढ़ से और बागोर से। नेक्स्ट आइएगा, याद कीजिए पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी मानव को कब हुई, पूरा पाषाण काल में। लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाणिक मानव कच्चा मांस ही ग्रहण करता था, इसका मतलब आग की यूटिलिटी की जानकारी उससे बाद में मिली होगी। अब अगर देखा जाए आग का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में, आग के इस्तेमाल के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। आग के इस्तेमाल के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, कैसे कह सकते हैं कि आग का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में मानव करता है, क्योंकि हम देखते क्या है ढेर सारे मध्य पाषाणिक साइट से गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला, और जहां से गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला, ऐश का प्रमाण मिला, राख का प्रमाण मिला, और जली हुई पशुओं की हड्डियों का प्रमाण मिला। इसका मतलब है कि मानव अब मांस को पकाकर भूनकर खाने लगा, आग का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया। अब जानना क्या है कि अगर आग के इस्तेमाल का प्रमाण मिल रहा है तो यह प्रमाण कहां से मिल रहा है। याद रखिएगा गर्त चूल्हे का प्रमाण गुजरात में लंघनज, गर्त चूल्हे का प्रमाण कहां से, सराय नाहर राय, कहां, यूपी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहां से भी मिल रहा है। उसके बाद बेलन घाटी में साइट है महदहा दमदमा, दोनों यूपी, कहां, बेलन घाटी, यहां से भी हम क्या देखते हैं कि गर्त चूल्हे का प्रमाण मिलता है। सर्वाधिक गर्त चूल्हे का प्रमाण कहां से, दमदमा से, सर्वाधिक गर्त चूल्हे का प्रमाण कहां से, दमदमा से, कहां है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। मतलब स्पष्ट है कि मध्य पाषाण काल में मानव क्या करने लगा, आग का पर्याप्त इस्तेमाल करने लगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट फीचर को अगर देखें, नेक्स्ट फीचर को देखें तो क्या है, याद कीजिए चित्रकला की प्रवृत्ति, ये पूरा पाषाण काल में था। मानव की जो एक्टिविटी थी वो दीवार पर उकेरने का काम करता था, और केव पेंटिंग और रॉक पेंटिंग का प्रमाण, शुतुरमुर्ग के अंडे पे पेंटिंग का प्रमाण आपने पढ़ा था, कहां से, मध्य प्रदेश में एक साइट है भीमबेटका, भीमबेटका से केव पेंटिंग का प्रमाण, और ये किस काल का था, उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के लास्ट दौर में। और भीमबेटका का संबंध मध्य पाषाण काल से भी है, तो भीमबेटका से मध्य पाषाणिक
केव पेंटिंग का भी प्रमाण मिलता है। तो नेक्स्ट दीजिएगा चित्रकला। अब याद रखिए कि तत्कालीन दौर में अगर केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग होगा, दो प्रकार का पेंटिंग देखने को मिलता है, केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग। ये जो भी पेंटिंग की प्रवृत्ति है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मानव, पशु और क्या शिकार, मानव की क्या गतिविधियां, यही पेंटिंग के रूप में आपको देखने को मिलता है। जो भी इनके पालतू जानवर थे, जिस जानवर को ये जानते थे, वैसे तमाम जानवरों की पेंटिंग देखने को मिलता है। और जो पेंटिंग है वो आरेखन पेंटिंग के रूप में, वो डायरेक्ट देखकर एकदम नहीं लगेगा कि हिरण ही है, लेकिन वो स्ट्रक्चर लाइन से इस रूप में बनाया गया है कि लगता है कि नहीं हिरण है। ठीक है, अब इसके प्रमाण कहां से मिले, तो याद रखिएगा भीमबेटका। भीमबेटका कहां, मध्य प्रदेश। और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि भीमबेटका का संबंध पैलियोलिथिक एज से भी है और भीमबेटका का संबंध मेजोलिथिक एज से भी है। यहां से किसके प्रमाण, केव पेंटिंग के प्रमाण मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा मिर्जापुर में एक साइट है, उसका नाम है सोहागी घाटी। कहां, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। ठीक है, यहां से भी हम देखते क्या है, रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिलते हैं। तो दो याद रखिएगा, खासकर क्वेश्चन जब बनेगा, तो अभी तक तो भीमबेटका से ही बनता रहा है। तो भीमबेटका उड़ीसा में सुंदरगढ़ बाणगढ़, वहां से भी हम देखते क्या है कि पेंटिंग के प्रमाण मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक नवीन प्रवृत्ति जो पहले देखने को नहीं मिली, जैसे याद कीजिए पुरापाषाण काल का एक साइट हम लोगों ने पढ़ा था जहां से मानव के फसिल्स का प्रमाण मिला था, और वो साइट कहां था, हथनौरा। लेकिन वो कोई मृतक को दफनाने का प्रमाण नहीं था, लेकिन यहां तक आते आते, मध्य पाषाण काल तक आते आते, हम देखते क्या है, एक रिचुअल्स के रूप में समाधान के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति की शुरुआत हो जाती है। तो एक नया फीचर जो मध्य पाषाण काल में जुड़ता है वो क्या है, समाधान, जिसको आप क्या कहते हैं, अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं, है ना। पूरा पाषाण काल में ये प्रवृत्ति नहीं थी, मध्य पाषाण काल में ये प्रवृत्ति है, मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल में है। और मध्य पाषाण काल में जो मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति है, ये दाह संस्कार का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सिंगल बरियल, ज्वाइंट बरियल, डबल बरियल, इसका प्रमाण मिलता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एकल समाधान, एक व्यक्ति मरा उसको दफना दिया गया। या कुछ ऐसे भी कब्र मिले हैं जहां पे दो से अधिक व्यक्ति को एक साथ दफनाया गया, सामूहिक समाधान। ये क्या है, युगल समाधान, दो व्यक्ति को एक साथ दफनाया गया। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखते हैं कि सबके साथ अंत्येष्टि सामग्री को भी दफनाया गया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि तत्कालीन दौर में मानव को जीवात्मावाद की जानकारी थी, किसी न किसी रूप में लाइफ आफ्टर डेथ की अवधारणा रही होगी, तभी मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति है, या मृतक के साथ उसके जरूरत के सामान को दफना देने की प्रवृत्ति है। ठीक है, दाह संस्कार के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन मृतक को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब स्पष्ट है कि एक रिचुअल्स के रूप में, एक परंपरा के रूप में, या एक धार्मिक कर्मकांड के रूप में अंत्येष्टि संस्कार का आगमन, अंत्येष्टि क्रिया का आगमन कब हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, ये कह सकते हैं। और इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं यह जानने की जरूरत है। तो इसके प्रमाण कहां से, लगभग साइट से, जैसे उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, यहां से ढेर सारे समाधान के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कुछ एकल समाधान भी है, तो एकाध कब्र ऐसा है जहां से सामूहिक समाधान का भी प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बेलन घाटी में एक साइट का नाम है महदहा, यहां से अबाउट 28 कब्र का प्रमाण मिला, 28 कब्र का प्रमाण मिला। इसका मतलब स्पष्ट है कि यहां पे कुछ एकल समाधान का भी प्रमाण मिला, कुछ युगल समाधान का भी प्रमाण मिला। ठीक इसी प्रकार दमदमा बेलन घाटी में, यहां से भी समाधान का प्रमाण मिल रहा है। महदहा हो या दमदमा, दोनों ही जगह पे मृतक के साथ अंत्येष्टि सामग्री को रखा गया है और तब दफनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, समाधान किस काल की विशेषता, तो मध्य पाषाण काल की विशेषता। ठीक है, समाधान के अंतर्गत क्या
अंत्येष्टि मतलब ये दाह संस्कार था, नहीं था, क्या था? समाधान की प्रवृत्ति थी, एकल समाधान, युगल समाधान, सामूहिक समाधान का प्रचलन था, स्पष्ट है। और लास्ट देखिएगा, याद रखिएगा, अभी तक कहीं से बर्तन का प्रमाण नहीं मिला है, है ना? बर्तन का प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि मानव उत्पादक नहीं है, अगर उत्पादक नहीं है तो मृदभांड के प्रमाण नहीं मिलेंगे। लेकिन एकाएक साइट अपवाद का है, जैसे बेलन घाटी में चौपानी मांडो, वहां से 7000 वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े के प्रमाण मिले, लेकिन यह अपवाद है। मध्य पाषाण काल का फीचर मृदभांड नहीं हो सकता है। मध्य पाषाण काल तक भी मानव को धातु की जानकारी नहीं है, अस्क्रिप्ट की जानकारी नहीं है, और मृदभांड निर्माण कला या कृषि यह मध्य पाषाण काल का फीचर नहीं है, बल्कि नव पाषाण काल का फीचर है। ठीक है, तो यहां पे जो मेजर चेंज है उसको सिर्फ याद रखिएगा। एक, माइक्रोलिथ टूल्स किस काल की विशेषता? मध्य पाषाण काल की विशेषता। दूसरा, मध्य पाषाण काल में किस टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ, जिस नवीन टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ उसका नाम क्या है? प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी। यही वह काल है जिस काल में पशुपालन की प्रवृत्ति बढ़ी, एक नवीन प्रवृत्ति के रूप में पशुपालन आया। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से? मध्य प्रदेश आदमगढ़, राजस्थान में बागुर। यही वह काल है जब मानव पशुपालन के लिए पशु बारी का निर्माण करता है, क्या करता है? झोपड़ी निर्माण की कोशिश करता है, भवन निर्माण का कार्य करता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भवन निर्माण के प्रारंभिक प्रमाण कहां से? आदमगढ़ और बागुर। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल का मेन फीचर है। और ये याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में परिस्थितियां मतलब पॉजिटिव है, अनुकूल है मानव के लिए। क्यों? चूंकि प्लीस्टोसीन फेज का द्वार है। ठीक है, चलिए।